हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आज आप लोग। आज का जो वीडियो है वो है मेहंदी कोन्स के ऊपर। मेहंदी कोन दो तरह के होते हैं, पहला क्लोज टिप जो बहुत पहले आता था, अब आने लगा है ओपन टिप। अब क्लोज टिप क्या होता है और ओपन टिप क्या होता है। क्लोज टिप वो होता है जो हमको काट के एडजस्ट करना पड़ता है, और ओपन टिप वो होता है जिसके आगे पिन लगा होता है और उसको हम लोग खोल के हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अभी मेरे हाथ में है ओपन टिप और जो रखा हुआ है जो सिल्वर कलर का है वो है क्लोज टिप। अब ओपन टिप मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, हमेशा यूज़ करती हूँ एक्चुअली, और क्लोज टिप जो है वो मैं यूज़ नहीं करती। मैंने आज ये बनाया है क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था, और मैंने वो क्लोज टिप वाला जो कोन है वो भी मैंने बिस्किट के पैकेट से बनाया। मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी, प्लास्टिक्स के साथ करती रहती हूँ। खैर, इसका मुंह बिल्कुल ऑफ है और मुझे इसको काट के इसको यूज़ करना है, और इसको मैंने पहले से ही एडजस्ट करके रखा है मेरे हिसाब से, और मैं हमेशा इसको प्रिजर्व जैसे मैं करती हूँ जैसे भी करती हूँ वो भी मैं बताऊँगी। आप वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोनों के फ़र्क क्या है और क्या किस में आसानी होती है और किस में नहीं। तो मेरे लिए आसान है ओपन टिप क्योंकि इसका फ्लो मुझे बहुत पसंद है। मुझे प्रैक्टिस करने में आसानी होती है, मुझे बनाने में आसानी होती है, किसी के हाथ में अप्लाई करूँ तो भी आसानी होती है। तो मैं बिल्कुल ओपन टिप का यूज़ करती हूँ हमेशा, क्लोज टिप मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं अभी आपके सामने डेमो देती हूँ कि मैं क्यों नहीं यूज़ करती। ये बहुत मेस्ड अप कर देता है। अब देख लो, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ या आ नहीं रहा, तो उसकी वजह से पहले तो थंब में दर्द हो जाता है। जब हम बहुत सारा मेहंदी किसी के हाथ में अप्लाई करना होता है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब मुझे काट के एडजस्ट करो, इतना तो ना तो टाइम होता है और ना ही पेशेंस होता है, मेरे पे तो नहीं है। बस मुझे तो इजी वे पसंद आता है, और इसका जो लाइंस वगैरह है वो भी कुछ खास परफेक्ट नहीं आता, मुझे बिल्कुल इसके लाइंस पसंद भी नहीं आते। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि अगर आप लोग मेहंदी कोन यूज़ कर रहे हो तो अपना बनाओ और ओपन टिप बनाओ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। मैंने अपना एक पहला वीडियो बनाया है, उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे इजीली आप लोग घर में मेहंदी कोन बना सकते हो बाज़ार से ख़रीदे हुए कोन से, तो और ओपन टिप कैसे बना सकते हो, सब कुछ मैंने उस वीडियो पर डाल दिया है। मैं एंड स्क्रीन में उसका दे दूँगी लिंक, तो आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में चाहोगे तो कमेंट में भी दे दूँगी मैं, तो आप लोग जैसे बोलोगे वैसा। तो आप लोग देख रहे हो कि कैसे टूटा टूटा सा लाइन आ जाता है कभी कभी, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता पर्सनली जो क्लोज टिप होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ ओपन टिप से काम करती हूँ। आप लोग बाज़ार से 10 रुपये की अगर एक मेहंदी कोन ख़रीद के लेके आते हो, चाहे वो कोई सा भी हो, तो आप उसको प्लीज़ घर पे आके उसको कोन बना लो। आपको 3 रुपये का सेलोफेन पेपर मिल जाएगा और उससे आप बना सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूँगी कि कैसे मैं सेलोफेन पेपर्स काटती हूँ और कैसे क्या क्या करती हूँ, मैं सब आप लोग को डिटेल्स में दूँगी। तो अभी मेरे लिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये क्लोज टिप छोड़ के ओपन टिप यूज़ करें, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप जितना हो सके छोटा कोन यूज़ करें, इससे आप लोगों को परेशानी कम होगी और आप लोगों का जो फ्लो है वो भी सही रहेगा। अब बाज़ार से जो ओपन टिप मिलता है उसके साथ ये वाला मिल जाता है पिन, तो मैं हमेशा इनको सेव कर देती हूँ, और जब मैं मेहंदी कोन बनाने बैठती हूँ तो ये सब मेरे काम में आते हैं। तो कोई छोटा होता है, कोई थोड़ा मोटा होता है, तो मैं चुन के मैं वो टिप अपना अच्छा से बना लेती हूँ, अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ, जिससे कि सही हो, मुझे कंफर्टेबल हो, मुझे जितना चाहिए डॉट्स वगैरह लाइंस के लिए जितना प्रॉपर चाहिए वो कर सकती हूँ।
तो आप देख रहे हो कि मेरा जो ओपन टिप कोन है ये मैंने ही बनाया है और ये बिल्कुल पेन की तरह यूज़ कर रही हूँ मैं, बिल्कुल एक पेन जैसे मैं होल्ड करती हूँ वैसे ही। और आप देख सकते हो मैं इससे प्रॉपरली लिख रही हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। आई एम वेरी कम्फर्टेबल विद द मेहंदी कोन एंड आप लोगों को मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग भी यही यूज़ किया करिए। और मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जो नॉर्मल हेना कोन है मैं उसके साथ ही ये एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। मेरा चाइनीज़ कोन जिसको हम लोग कहते हैं अभी जो मॉडर्न आया है मेहंदी कोन, उसके साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसको अभी डेमो दूँगी कोन बना के, मगर मेरे लिए ये वाला कोन सही है, आप लोग इसको यूज़ कीजिए। होप आप लोगों को दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा और कौन सा आप लोगों के लिए भला है ये तो आप खुद ही चूज़ कीजिए खुद एक्सपीरियंस करके। तो मेरे पास जितना आइडिया था मैंने आपको बता दिया। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय बाय बाय।